अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद हो कि आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। मैंने उसके लिए लिया है आलू। मैंने यहाँ पे 8 से 9 पीस आलू ले लिया है। हम अब इसे अभी मैंने इसे बॉईल नहीं किया है। और मैंने उसके लिए लिया है 6 से 7 पीस ब्रेड ली हुई है मैंने। और ये इस ब्रेड को मैंने साइड से इस तरह से कट कर दिया है। स्लाइसेस मैंने इसकी कट कर दिए, आप देख सकते हैं। और ये है उसकी स्लाइसेस। हम इसे ग्राइंड करेंगे मिक्सी में। और मैंने उसके लिए लिया है हरी मिर्च कटी हुई। और मैंने उसके लिए ड्राई फ्रूट में लिया है लावा गरी। और उसके लिए मैंने लिया सूजी। आधा चम्मच से कम मैंने हल्दी ली हुई है। 1 डेढ़ चम्मच मैंने जीरा लिया हुआ है। हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया हुआ है। 1 चम्मच मैंने भूखा मिर्चा लिया हुआ है। अब हम ब्रेड को जार में डाल देंगे इसे ग्राइंड करने के लिए। अब हम इसे पहले इसका पाउडर बना लेंगे, चूरा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसके चूरे को इस तरह से बारीक, आप भी ऐसे करिएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम आलू को बॉईल करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे आलू को मैंने कुकर में डाल दिया है थोड़े से पानी में। अब हम इसे बॉईल करेंगे, 1 से 2 सीटी लगाएंगे हम। मैंने ढक्कन को बंद कर दिया है। हम इसे 1 से 2 सीटी होने देते हैं, फिर हम उसके बाद आलू निकाल कर मैश करेंगे। हमारा आलू बॉईल हो चुका है, मैंने इसे निकाल लिया है। हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, हम इसे इस तरह से मैच करेंगे। इस तरह से हमें आलू को मैच कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने आलू को अच्छी तरह से मैच कर लिया। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मिर्ची पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे हम। अब हम इसे अच्छी तरह से मैच करेंगे।
मैंने इसे अच्छी तरह से मैच कर दिया है। फ्रेंड्स अब हम ब्रेड की स्लाइसेस को पानी में हल्का सा डिप कर लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। फिर हम इस पानी को इस तरह से निचोड़ लेंगे। फिर हम उसमें इस तरह से आलू को ऐसे डालेंगे। फिर हम इसे इस तरह से राउंड शेप में देंगे। हमें इसका सारा पानी इस तरह से डिप कर लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से बना लिया है। हम इसे इस तरह से दूसरा करेंगे। मैंने पानी को इस तरह से डिप कर लिया है। अब देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से कवर कर दिया है। ये इस तरह से इसी तरह से हम ये वाला भी बनाएंगे। हल्का सा हम इसे पानी में डिप करेंगे। फिर इस तरह से पानी को निचोड़ लेंगे। हम इसमें इस तरह से आलू डालेंगे। इस तरह से मैंने कर लिया है। देखिए आप भी इसी तरह से बनाइए फ्रेंड्स। ये मैं शाम के नाश्ते के लिए बना रही हूँ। बच्चों को ये स्नैक बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी। मैंने इस तरह से पानी को निचोड़ लिया है दबा के। मैंने इसे इस तरह से बना लिया है।
फ्रेंड्स इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम इसमें थोड़ा सूजी लगाएंगे, फिर इसका चूरा लगाएंगे ब्रेड का, अब हम इसे हल्का डिप भिंगाएंगे फिर से एक बार, फिर उसके बाद मैंने इसे डिप भिंगा दिया है। अब हम इसमें सूजी मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा चूरा मिक्स करेंगे, इसे हल्का हल्का इस तरह से कवर कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास सूजी नहीं है, अगर आपके पास सेवई है तो उससे भी बन जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे बना लिए हैं। अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे, हम तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ब्राउन कलर आया हुआ है। ये कटलेट बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, आप बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए, गेस्ट को खिलाइए, बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। Thank you.
हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स बहुत क्रिस्पी बने हैं। फ्रेंड्स अब हम इसी तरह से सारे के सारे डालेंगे। फ्रेंड्स हमारे कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकालेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स मैंने इसे बाउल में निकाल के सर्व कर लिया है। यहाँ मैंने हरी मिर्ची और कच्ची इमली की चटनी बनाई थी, हरी इमली की लहसुन डालकर, और मैंने इसमें हरी धनिया डाला था। आप फ्रेंड्स ये रेसिपी हमारी ट्राई करें, आलू कटलेट्स की, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।